आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम शनि के बारे में बात करने जा रहे हैं। शनि कहते हैं ना इच्छाधारी है, जो एक इंसान को हर जगह से हर तरफ से मदद करने वाला है। वो कहते हैं ना जिंदगी में तमाम ऐश सुख समृद्धि दौलत शौहरत वो शनि देता है। आपको मैं एक बात बताऊं, शनि आप कभी देखो मतलब एकदम से काम बिगड़ने लग गए, एकदम से बीमारियां आ गई, बीमारियों पे पैसे जा रहे हैं, काम अचानक से रुक गए, मतलब है ना एक के बाद नुकसान हो रहा है। उधर से एक इंसान पटक के नीचे गिरा और वो उठने का नाम नहीं ले रहा, तो ये चीज समझ जाएं आप कि शनि एक अपने वो भयंकर रूप पे, एक श्राप के रूप पे कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखा रहा है, आपके सर पे मुसीबतों का ताज पहना रहा है। आप समझे? आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि शनि सांप है, राहु उसकी मड़ी है, दुम केतु, समझे मेरी बात को। राहु सर पे मंडराते शनि को एक करंट देता है, करंट, तभी वो कहते हैं ना जिसके शनि अगर भयानक रूप पे आ गए तो दर दर भटकाएगा भटकाएगा भटकाएगा, ऐसा बीमारियों का दौर लग जाएगा, कभी इधर अस्पताल भागेगा कभी उधर अस्पताल भागेगा, जितनी अपनी जमा पूंजी है वो कहते हैं ना लुटाएगा। आप समझे? तो आज जो चीज मैं बताने जा रही हूं, अगर वाकई कहते हैं ना नहीं समझ आ रहा है, एक के बाद कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी चोरी हो गई, कभी कभी नुकसान हो गए, कभी कभी बीमारियां, मतलब एक के बाद एक, एक वो कहते हैं ना छड़ी लग जाती है मुसीबतों की, छड़ी लग जाती है मतलब वो कहते हैं ना बदकिस्मती की, तो आप वेट ना करें, आप उस दिन का इंतजार ना करें जब कुछ नहीं बचेगा जो आपको सहारा देगा, क्योंकि ये जब बद नेचर पे अपनी आता है ना, ये रिश्तेदारियां भी तुड़वानी शुरू करेगा, ये खराब सेहत करवाना शुरू करेगा, कारोबार को फिर नहीं उठोगे, फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तभी कह रही हूं अगर कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिम्टम भी दिख रहा है ना, जैसे मन मुटाव हो गया रिश्तेदारियों के बीच या दोस्तों के बीच या जैसे जैसे भी, या कहीं ना कहीं काम एकदम से ठप हो गया है, बिल्कुल रुक सा गया है, आप वेट ना करें, उसका इलाज करें, आप उसका इलाज करें। अब सबसे पहली चीज जो मैं चाहती हूं आप करेंगे, बेल का पेड़ होता है, बेल का पेड़, बेल के पेड़ की जो जड़ होती है उसको आप लेके आओ, उसको आप लेके आएंगे, ये रात को पीना है, रात को पीना है आपने। देखो मैं आपको पक्के इलाज बताने, कई बार लोगों की जो जिंदगी होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है बाबा, उसमें मैं आप लोगों को ये तो नहीं बोल सकती ना हाँ लिखो होगा, है ना, सच्ची कह रही हूँ, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, मेरा तो दिन रात का काम है, मैं दूसरों की तो क्या ही बात करूँ, मैं अगर अपनी भी बात करूँ, हमने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या बाप को खोया, क्या क्या चीज नहीं खोई सड़क पे, इससे बदतर चीजें और क्या ही होंगी, एक भिखारी तो फिर भी भीख मांग के खा लेगा, हमारे तो वो हालात थे वो भी नहीं, जब एक वो कहते ना तीन वक्त की रोटी तो नसीब हो ही जाती है, तीन वक्त की रोटी भी नहीं कई बार नसीब होती, सीधी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो बेल का पेड़ है उसकी जड़ें लेके आओ, उसको कूट दो, उसको कूट दो और पानी में सोख करके रख दो, जैसे सुबह आप लेके आए या इकट्ठी लाके रख दो, उसको कूट कर पानी में सोख करके रख दो, रात को सोने से पहले पानी में उसको वो छान देना और उसका सेवन करना आप शुरू कर दो, उसका सेवन करना आप शुरू कर दो। आपको मैं बता नहीं सकती हूं ये जितने शनि के खराब भयानक रूप है उसको कैसे पिछाड़ेगा, उसको कैसे पिछाड़ेगा, आपको इस चीज का हिसाब नहीं। एक और चीज आपको बताती हूं, अब शनि का श्राप जो है वो टेवे में तो नजर नहीं आता है,
टेवे में कोई शनि का श्राप नहीं है, पर शनि का श्राप लगा हुआ है, ना तो ग्रोथ हो पा रही है, ना तो आपकी आपके कारोबार में आपकी जहाज पे वो कहते हैं ना आपकी रोजी रोटी की जो जगह है वहां पर कहीं आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, रोटी पानी चल रही, कई बार रोटी पानी के भी लाले पड़ते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है। तो अगर आपकी पत्री है तो आप अपने वास्तु को कहां निगेट करोगे, आपके जो पश्चिम दिशा की जो रसोई घर है, पश्चिम दिशा की अगर आपका टॉयलेट है वो भी एक तरह का शनि का श्राप पैदा करता है। और मैंने कितने वास्तु कंसल्टेंट्स को देखा कि वेस्ट में आपका हो सकता है किचन, कैसे हो सकता है भाई। सूर्य मंगल आपका आपका फायर एलिमेंट हो गया, शनि का धातु क्या है, लोहा है, लोहे की जगह पे आप सूर्य को वो तो कलंकित करेगा ना, वो तो झूठे इल्जाम लगाएगा, वो तो बदनामी देगा, वो तो एक्सीडेंट्स नुकसान उसका काम ही यही है, तो कैसे पश्चिम। और मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आपके दसवें भाव में बुध बृहस्पति चंद्र राहु चंद्र केतु, अगर आप ऐसे श्रापित पत्री वाले जो लोग हैं, शनि जिनका खराब है, शनि दूसरे घर पे भी बहुत भयानक रूप देता है भाई साहब, आप समझे, आठवें घर पे वो ये बात फैक्ट है कि रिसर्च कराता है, लेकिन उठापटक 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 देता है। तो अगर पश्चिम का अगर आपकी रसोई घर हो गई तो आप ये मान के चले नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर टॉयलेट है तो नीला बल्ब जलाओ, आप नीला बल्ब जला दो, जो येलो जैसलमेर होता है, येलो जैसलमेर का पत्थर, अगर आपकी उधर अग्नि है तो नीचे जैसलमेर का वो मार्बल रखो आप समझे। ये रखने के बाद में अब आपने क्या करना है, 43 डेज तक अपने सिराने कच्चे कोयले रखकर इसको आप जल प्रवाह कर दो। मात्र इतनी सी चीज, ये जो जो घर पे भी मैंने आपको चेंजेस बताए हैं, अगर आपने वेस्ट में अगर आपने हरे हरे पौधे लगाए हुए हैं तो आप ये मान के चले कि आप एक आस लगा के बैठ जाओ कि अब होएगा, अब होएगा, अब होएगा, वो कभी नहीं होएगा, क्योंकि आपने अपने वेस्ट डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट को स्थापित कर दिया, एक तरह के सूर्य को स्थापित कर दिया। फिर लोग ढीठ बन जाते, ये तो नहीं कर सकते शाइना जी, नहीं कर सकते, फिर बाद में जब खराब हो जाते अब क्या करें। मैं तो फिर वही बोलती हूँ, अब आप कुछ ना करें, अब आप नजारे देखें, क्योंकि लोग अगर आप रिजिड हो कि नहीं नहीं ये तो इधर है अब और क्या, अरे हटा दो ना फिर उन चीजों को, जो चीज आपके आपके परिवार को खाने के लिए बैठी हुई है तो उसको रख कर भी क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे। और लोग हवन की लकड़ी जो है, ये भी आपको बता दूं, वो चल छोटू छत पे चढ़ाए, अब ये देखो बरसातें आ रही हैं, वो जो लकड़ियां हैं आपकी वो गीली हो जा रही हैं, तबाही, धुआं निकालेगा, आपके सुख का धुआं निकालेगा। और राहु जो करंट मार रहा है, करंट मार रहा है, करंट, शनि जो खराब है उसको और करंट, टेट चलना चलना और खराबी कर, तो राहु को भी सबल करो, गौमूत्र का पोछा लगाओ, बाकी चीजें अगली वीडियो में बताऊंगी, अभी बहुत बता दी, कम से कम यही चीज कर लो, और उपाय बताएं, और उपाय बताएं, जो बताए हैं ये करें आप, पहले सबसे पहले ये करें आप, है ना। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, सितंबर वाले बैच के लिए डिस्काउंट ऑन है, जो लोग सितंबर वाले बैच के लिए कर रहे हैं, जो ये कोर्स करेंगे उनका टेवा मैं देखूंगी, इलाज मैं बताऊंगी, और उनका जो वास्तु रेक्टिफिकेशन होगा वो भी मैं करके दूंगी, समझे। तो जिनको कोर्स करना है व्हाट्सएप करो, हजारों मैसेजेस में पता नहीं चलता अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया मेरी जान, आपको अगर ये करना है एस्ट्रो वास्तु, मेरे को व्हाट्सएप कर दो एक बार फिर से, ठीक है ना। अभी 4 दिन बाद मिल रहे हम, थोड़ा है कि नहीं, तो एक बार कर दो, हो सकता है इतने अब तो 4 दिन में मैसेजेस इकट्ठे हो गए, क्या बोले, तो एक बार दोबारा से कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।